हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं वाल्मीकि जी के साथ करता हूँ आपका अपने वाल्मीकि जी यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आप सेफ हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको अपने आपके मोबाइल से ही खतरा है। क्या सही में आपके मोबाइल से रेडिएशन इतनी ज़्यादा मात्रा में निकल रही है कि आपको वो नुकसान पहुँचा सकती है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी बात बताता हूँ। आजकल इंटरनेट पे एक बात चल रही है कि आप अपने मोबाइल के अंदर *#07# डायल कीजिए, अगर उसके अंदर जो वैल्यूस आ रही है वो 2.6 वाट पर केजी से कम है तब तो आपका मोबाइल अच्छा है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगा उस वैल्यू, तो मतलब कि वो मोबाइल आपको बेच देना है। वो आपके मोबाइल आपके लिए खतरनाक है, आपके परिवार वालों के लिए खतरनाक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर बताया जा रहा है कि अगर आप अपने मोबाइल के अंदर *#07# डायल करते हैं, और डायल करने के बाद अगर आपका जो सामने वैल्यू आ रही है वो 1.6 वॉट पर केजी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि आपका मोबाइल आपके लिए हानिकारक है, आपके परिवार के लिए नुकसानदायक है, ये आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसा क्या है, क्या ये बात सही है कि नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है। ये जो *#07# आप डायल करते हैं तो वहाँ से आपको ये सार वैल्यू बताता है। सार वैल्यू मतलब कि स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। ये वैल्यू ये हमारी गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड की जाती है कि कितना हमारे मोबाइल के अंदर से रेडिएशन निकलना चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से इसको फिक्स किया गया है कि ये 1.6 वॉट पर केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये सभी कंपनियों जो कि स्मार्टफोन कंपनियां हैं उन सभी को ये निर्देश दिया गया है, बताया गया है कि आपको ये सार वैल्यू आपके या तो मोबाइल के ऊपर, डिब्बे के अंदर, कहीं भी कैटलॉग के अंदर आपको बताना है, ताकि लोग जो कस्टमर है उसको चेक करें और वहां से उस मोबाइल को बढ़िया से परचेस करें। और ये 2.6 वॉट पर केजी से ज़्यादा है तो ये सही में आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर मोबाइल एंटीना होता है जो कि हमको डायरेक्टली बात करने के लिए फीचर्स देता है कि आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में बात कर सकते हैं वायरलेसली। और ये इसमें एक रेडिएशन निकलता है जो कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में तक जाता है, और वहाँ से वो दोनों मोबाइल आपस में कम्युनिकेट करके हम बात कर सकते हैं। उसके अंदर वायरलेस होता है, वाईफाई होता है, ब्लूटूथ होता है, किसी किसी मोबाइल के अंदर इंफ्रारेड होता है। और आप ब्लूटूथ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने ब्लूटूथ को पूरे अच्छे से डिफाइन किया है कि ब्लूटूथ क्या है, ये काम कैसे करता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब आपको मैंने एक वीडियो में बना के रखी है, तो आपको ऊपर आई के बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा मोबाइल एंटीना है जो कि रेडिएशन निकालता है, तो उसकी जो रेडिएशन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए गवर्नमेंट ने जो रूल फिक्स किया है उसके नीचे ही आपका मोबाइल होना चाहिए। तो आप अभी अपने मोबाइल के अंदर *#07# डायल करके देखिए कि क्या आपका जो सार वैल्यू है वो 2.6 वॉट पर केजी से कम है कि नहीं। और ये 2.6 वॉट पर केजी से ज़्यादा है तो आपको तुरंत उस मोबाइल को यूज करना बंद कर देना चाहिए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये सार वैल्यूस 2.6 वॉट पर किलो से कम होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।